हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत की रेसिपी। आज हम आपको साबूदाने से बताएंगे कि आप मिर्च के तीखे वड़े किस तरह और कैसे बनाएं, जो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनकर तैयार होते हैं। मैंने हाफ कटोरी साबूदाना लिया हुआ है और मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो देखिए, यह बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो देखिए, ये मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया है। आपको फ्रेंड्स, इसे आपको दो घंटे के तक भिगो के रख देना है। उसके बाद ही आपको ये तीखे मिर्च के पकोड़े बनाने हैं, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं। और ये 3 से 4 मिर्च ले ली हैं। तो देखिए, मैंने मिर्च को वाश करने के लिए पानी में रख दिया है। अब हम सबसे पहले एक चम्मच लेंगे और चम्मच अपने साबूदाने को हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार आपको इसे क्रश कर लेना है, नहीं तो आप इस प्रकार का मैसर भी ले सकते हैं, इससे भी है अच्छा क्रश हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसे हल्का सा क्रश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 आलू। ये बॉयल्ड आलू हैं, ये मैंने उसमें क्रश कर लिए थे। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। आप चाहो तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्च ली हुई है। और फ्रेंड्स, ये डालूंगी मैं इसमें सेंधा नमक। ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक ले लिया है। और अब हम इसे इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। तो देखिए, मैंने धनिया पत्ती डाल दी है। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने इन फास्ट लाल मिर्च खाती नहीं हूँ। और ये मैंने थोड़ी सी पिसी हुई मिर्ची भी डाल रही हूँ इसमें। इसमें अदरक भी मैंने इसी के अंदर अच्छे से क्रश कर ली थी। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। आप चाहो तो इसमें राई भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। इससे आपके पकौड़ों का स्वाद बहुत बढ़ जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे आपके पकौड़े। और थोड़ा सा इसका कलर अच्छा लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच हल्दी। तो फ्रेंड्स, अब आप अपने मिर्च को वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए, मैंने मिर्च को वॉश करके अपनी प्लेट में रख लिया है। इस प्रकार जिसमें मैंने आलू लिए थे उसी प्लेट में मैंने अपने मिर्च को रख लिया है। अब आप इस मिर्च में सेंधा नमक हल्का हल्का डाल देंगे। एक तरफ हमारा मैंने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी मिर्च को साइड में से थोड़ा थोड़ा क्रैक कर लेंगे, ताकि आप इसके अंदर हल्का हल्का नमक भर लो। तो देखिए, इस प्रकार मैंने इसे बीच में से कट कर लिया है। तो जितने भी आप बड़े बनाओ उतने ही मिर्चें आप इस तरह क्रश कर लीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। तो देखिए, मैंने इस प्रकार सभी मिर्चों को अच्छे से साइड में से कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये अगर आप इसके अंदर नमक डालेंगे तो यह कम तीखी लगेगी। तो मैंने ये सेंधा नमक ले लिया है और इसमें हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा नमक डाल दूँगी। जितनी भी मैंने मिर्च को अच्छे से क्रश किया था, कटिंग कर ली थी, उतनी सभी मिर्चों में मैंने सेंधा नमक अच्छे से भर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो मैंने आलू का और अपने साबूदाने का मैसेज लिया था उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो नमक और मैंने जो भी इसमें सब कुछ डाला है इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये स्पेशल मैं नवरात्रों के लिए बना रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगी। तो देखिए, आपको अपना ये मिक्सर इस प्रकार का बना लेना है कि आप इसे ऐसे दबाएं तो अच्छे से ये ऊपर से हो जाए। तो इस प्रकार आप एक मिर्च लेंगे और बीच में इस मिर्च को रखेंगे और इसके चारों तरफ अच्छे से कोटिंग कर देंगे। तो देखिए, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी लगा देती हूँ। तो देखिए, इस प्रकार आपको कोटिंग कर देनी है और इस प्रकार मैं अपनी प्लेट में इसे रख लेती हूँ। तो जो भी मिर्च में आपको आपने इसके लगाया था, तो इसी तरह सभी को आप इस प्रकार तैयार कर लेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं, जितने आपकी फैमिली में मेंबर हैं या फिर जितना आप फास्ट कर रख रही हैं उस अकॉर्डिंग बना सकती हूँ। मैं सभी को इसी तरह तैयार करके रख लूँगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। यह मिर्च के पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और व्रत में कई बार ऐसा होता है कि हम मीठा खाकर परेशान हो जाते हैं, तो आप फटाफट ये बनाकर तैयार कर लीजिएगा।
इसे आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आलू के और ये साबूदाने के पकौड़े बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगने वाले हैं। तो देखिए मैंने 4 से 5 बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ अपना ऑयल रख रखा था, सबसे पहले मैं अपनी प्लेट को साइड में कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना ऑयल काफ़ी गर्म कर लिया है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम धीरे धीरे जो हमने ये मिर्ची के वड़े बनाए हैं वो इसमें डाल दूँगी। धीरे धीरे मैं सभी को फ्राई कर लूँगी। हम चारों तरफ इसे घुमा घुमा के अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये जले नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है धीरे धीरे फ्राई हो रही हैं। कलर आप जैसा ऐसा कुरकुरा करना चाहो तो आप इसे थोड़ी ज़्यादा सेक लीजिएगा, वरना आप इसी प्रकार इसे सेकते हैं। बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसे लो फ्लेम तेल पे बिल्कुल नहीं डालना है, वरना आपकी जो ये पकौड़े हैं इनके अंदर ऑयल काफ़ी चला जाएगा। बस आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपका ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए तभी आपको इसे डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से थोड़े थोड़े सिक चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी कंडीशन पे इसे उतार लेंगे। मैं इसे निकाल लेती हूँ, सभी को हम इसी तरह एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी वर्क की चटपटे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। साबूदाने के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप इसे इंजॉय कीजिएगा। अब फास्ट में भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप फास्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने स्पेशल व्रत की चटनी बनाई हुई है, इसे भी आप एक बार ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगले एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए।